हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एक्सेल में कमाल का सर्च बॉक्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्च करेगा। तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मैंने पहले से बना रखा है, ये डेटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं सर्च करके कोई दिखाता हूँ नाम, जैसे जो इसमें मौजूद हो, श्रेया, ये मैंने सर्च किया, इंटरफेस किया, तो ये देखिए श्रेया हाईलाइट होकर आ गया। इसमें इस तरह का एक सर्च बॉक्स हम बनाना चाहते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हम सर्च बॉक्स जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे वो यहां से सर्च करेंगे, इसीलिए मैंने इस सेल को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अब इस वाले यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है हमको और न्यू सेल रूल्स पे जाना है। इसके पहले हमें क्या करना है, टाइटल को छोड़ करके ये वाला पूरा डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू सेल रूल्स पे जाएंगे और यहां से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से इज इक्वल टू सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं सर्च फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, यहां से कलर चूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल कलर नहीं चूज करते। यहां पे हमें जो भी ये सर्च सेलेक्टेड है और यहां पर जो भी हमें सर्च करना है वो यहां से सर्च करना है। तो चलिए एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं यहां से, और यहां से ये आ गया और यहां पे क्लिक किया हमने। अब यहां पे हमें सर्च करना है इज इक्वल टू सर्च search, ठीक है, और फिर यहां पर ये वाला हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। इसके बाद अब डॉलर लगाएंगे, डॉलर। अब देखिए ये ए कॉलम है और टू रो है, क्योंकि नाम जो है, जो नेम हमने लिखा है वो टू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हमारा टाइटल है, तो इसको आपको सेलेक्ट करने या इसको इसके रोज या कॉलम्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो यहां से ए टू लिखा हमने और एंड से हम इसको जोड़ेंगे, एंड। ठीक है, तो डॉलर पहले लगा लीजिएगा जरूर, एंड डॉलर। ठीक है, अब बी टू एंड डॉलर, सी टू एंड डॉलर, डी टू एंड डॉलर, ई टू एंड डॉलर, एफ टू एंड डॉलर, ठीक है, जी टू एंड डॉलर, एच टू, ठीक है, और एंड डॉलर आई टू। इतना कर लेने के बाद हमें यहां से कलर वो चूज करना है जो कलर हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहां से कोई भी कलर जो आपको ठीक लगता हो वो चूज कर लीजिए, ओके प्रेस कीजिए और यहां से भी ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपका हाईलाइट हो जाएगा अगर आपका सर्च बॉक्स बन चुका होगा तो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सर्च करना है, जो भी कीवर्ड हम सर्च करना चाहते हैं या जो भी नेम हम सर्च करना चाहते हैं उसको यहां से सर्च करेंगे। ध्यान रहे कि वो नाम इसमें मौजूद होना चाहिए, ये जो शीट हमने बनाई है, जो ये जो डेटा हमने बनाया है इसमें ये नाम मौजूद होना चाहिए। जैसे हमने किया श्याम, ठीक है, एस एच वाई ए एम, ठीक है, जैसे यहां पर हमने श्याम लिखा तो यहां पर देखिए श्याम हाईलाइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए कोई दूसरा नाम लिख करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पानी, पानी भी एक नाम हमने लिख रखा है, तो जैसे ही हमने पानी लिखा तो ये देखिए पानी का नाम हाईलाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई और नाम लिखते हैं, जैसे सयानी, सयानी। एक चीज और इसमें देखने वाली है कि सर्च फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ना है। यानी कि अगर रानी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रानी जो है नाम, ये कैपिटल में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको लिखूंगा किसमें, स्मॉल में, आर ए एन आई, तो यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है और मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको ये सर्च कर ले रहा है, लेकिन फाइंड फॉर्मूले में क्या होता है कि वो केस सेंसिटिव होता है और सर्च नहीं कर पाता है। एक बार और देखते हैं, जैसे रोज लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज, तो रोज जो है किस लेटर में है, कैपिटल से स्टार्ट है, मैं इसको स्मॉल से लिखता हूँ और ये रोज को भी निकाल करके दे देगा। देखिए मैंने यहाँ स्मॉल से लिखा है और ये कैपिटल में भी दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।